दोस्तों, दिस इज़ माई YouTube चैनल माई मैथ्स जंक्शन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 AP जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस चैप्टर में मैंने आपको डेफिनेशन एंड सिंपल सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि AP होता क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, AP होता है इट इज़ अ सीरीज़ वेयर द डिफरेंसेज बिटवीन एन नंबर्स आर सेम। आज हम थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। आज हम बुकिश नॉलेज के बारे में जानते हैं कि AP होता क्या है एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व। तो उसके पहले मैं AP की आपको प्रॉपर्टीज़ बताना चाहती हूँ। प्रॉपर्टीज सबसे पहली है कि जिसमें ये होता है कि ईच नंबर इन द सीरीज़, ईच नंबर इन द सीरीज़ इज कॉल्ड टर्म। लाइक एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास, मैंने एग्जाम्पल लिया सिंपल 2, 4, 6, 8, तो ये एक AP सीरीज़ है, ठीक है। इसमें जो ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, हम नंबर ना बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, लाइक फोर्थ टर्म एंड द nth नंबर ऑफ टर्म। तो यहीं से हमें दूसरी प्रॉपर्टी भी पता चलती है कि nth टर्म यानी कि सीरीज की कोई लिमिट नहीं है। तो सीरीज हैव नो लिमिट, सो वी कैन से देर आर इनफाइनाइट टर्म्स। सो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इन AP टर्म वो होती है जिनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। जैसे 2 एंड 4 के बीच में डिफरेंस 2 सेम है, 4 एंड 6 के बीच में डिफरेंस 2 सेम है, एंड 6 एंड 8 के बीच में डिफरेंस 2 सेम है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं डी, द डिफरेंस इज कॉल्ड डी। तो यहीं से हम अपना फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, आप जन रटिए मत, बस जनरल बनाने की सोचिए। मैंने बोला था कि इसमें टर्म्स, nth टर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म वी डिनोटेड बाय ए, ठीक है। फिर मैंने बोला था जो प्रिसीडिंग टर्म्स, जो फॉरवर्ड टर्म्स होगी वो प्रिसीडिंग टर्म्स से ऐड होके होगी, यानी डिफरेंस उसमें ऐड होगा। दैट मीन्स ए प्लस डी। फिर आप उसमें देखिए, ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, कॉमा डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1D। तो ये हमारी एक AP सीरीज है। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2D। तो यहीं से मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि nth टर्म को निकालने के लिए, यानी an को निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D। यही हमारा मेन फॉर्मूला है। आप इसी को यूज करके कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो AP की, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया था इंट्रोडक्शन आपके बारे में। अब आपको ये पता चल चुका है कि सीरीज होती क्या है, सीरीज की टर्म्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है, एंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द anth टर्म। तो मेन फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 into D। तो अब हम NCERT से रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ, आप सॉल्व खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाली हूँ। एक्सरसाइज 5.1। सो लेट सपोज कि आपको, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पैसे दिए पर डे वाइज, यानी कि फर्स्ट डे में आपको उन्होंने 5 रुपये दिए, फिर उन्होंने नेक्स्ट ऑनवर्ड्स डेज पे आपको 5-5 रुपये इंक्रीज करके आपको पैसे दिए। लाइक दूसरे दिन उन्होंने आपको 10 रुपीज़ दिए, नेक्स्ट डे में 15 रुपीज़ दिए, नेक्स्ट डे 20 रुपीज़, यानी कि एडिशनल आपको 5-5 रुपये करके दिए, तो आपको ये पैसे मिलते गए। तो आपकी AP फॉर्म हो गई कि पहले दिन आपको कितने मिले, 5 रुपये मिले, दूसरे दिन 10 रुपये मिले, तीसरे दिन 15 रुपये मिले, चौथे दिन 24 एंड सॉरी 20। तो आपकी ये सीरीज फॉर्म हो गई। तो आपका जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है
वो इसी बेसिस पे है, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स पे। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है और आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो यू कैन सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स हैं आपका, उसमें है कि फाइंड द टर्म्स वेयर यू हैव गिवन ए एंड डी, यानी आपको वैल्यूज दी हुई हैं ए की एंड डी की। आप ये ध्यान रखिएगा कि ए शुड बी डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर एंड डी ऑल्सो बी डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। आपको वहाँ पे कुछ टर्म्स फाइंड आउट करनी है जहाँ पर आपको गिवन है ए एंड डी, यानी ए मीन्स यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड डी इज द डिफरेंस। तो वहाँ पे आपको, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हमें ए शुड बी गिवन इज 15 एंड डी इज -4। आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखिए कि ए जो है वो, डी की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे पास ए गिवन है 15 एंड डी इज़ गिवन -4। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि हम, आप क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमें 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही 15, यानी हमें A2 यानी सेकेंड टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए। फॉर्मूला हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये देखिए, आपको फॉर्मूला पता है ए एन। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देती हूँ कि आपको जो भी टर्म निकालने हैं आप उसमें से एक लेस कर दीजिए। यानी सपोज कीजिए कि आपको ए टू निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, ए प्लस 2 में से -1 किया यानी कि 1d। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, a की वैल्यू है आपके पास 15 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास -4। तो 15 प्लस माइनस माइनस 4 वन ज़ा 4, तो आपकी वैल्यू आ गई 11, यानी आपकी सेकेंड टर्म इज 11। सपोज कीजिए कि आपको a3 फाइंड आउट करना है, तो अभी मैंने कहा एक 1 माइनस कर दीजिए, तो a प्लस 3 से पहले क्या आता है 2d। तो फॉर्मूला आपका ऐसे क्रिएट होता है, a की वैल्यू है 15 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -4, तो ये हो गया -8, दैट मीन्स योर वैल्यू इज 7। तो आपको सपोज कीजिए कि a 4, सिंपली फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। a वैल्यू इज 15 प्लस 3 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12, 3। फोर्थ टर्म a प्लस 4d, a इज 15 प्लस 4 इंटू -4, 15 माइनस 4 4 16, वैल्यू इज -1। तो फर्स्ट फॉर्म 4 टर्म्स हमें निकालनी थी, यानी कि फर्स्ट तो हमारे पास थी, उसके बाद में हमें 4 टर्म्स यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपकी ए पी क्या फॉर्म होगी देख लीजिए। पहली टर्म क्या है आपके पास 15 कॉमा, दूसरी टर्म क्या है आपके पास 11, नेक्स्ट है आपके पास 7, नेक्स्ट है आपके पास 3, नेक्स्ट है आपके -1 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आपका जो एन सी आर टी का क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 वो है कि फॉर द फॉलोइंग ए पीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि आपको वहां पर, आपको यू हैव गिवन अ सीरीज ऑफ ए पी। अब आपका ये उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन, वेर यू फाइंड ए एंड डी। एग्जाम्पल 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। उन क्वेश्चन में आपको ए पी की सीरीज दी हुई है, आपको फाइंड करना है ए एंड डी। तो
तो देखिए ए तो सिंपल है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3, एंड आपको निकालना है डी। डी निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि इन टर्म्स की जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो सिंपल है, आप नेक्स्ट नंबर से पहले वाले नंबर को क्या कर दीजिए माइनस, यानी कि नेक्स्ट नंबर है आपके पास 1 माइनस 3, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी -2, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 3, और आपका कॉमन डिफरेंस हो गया -2, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द सीरीज इन एपी और नॉट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए लुक पार्ट 1, जहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एपी जो सीरीज़ है वो एपी में है या नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ माय मैथ्स जंक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको जो भी कमियां लगी हों प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ओवरकम कर सकें। थैंक यू सो मच।